आज बड़ी चमचम लग रही हैं आप। मैं तेरे लिए गुलाबो बनकर आई हूँ। मेरी ना आंख फटक रही है अर्चना जी। हाँ? मेरे को लगता है कोई आने वाला है आज। कौन? मुझे तो डर ही लगता रहता है, पता नहीं कौन। पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे कपू शर्मा, कपू शर्मा, कपू शर्मा। हाँ। अरे तुम्हारा टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम तो कब के बंद हो गए? हाँ, हम भी उसको वही समझा रहे थे, लेकिन वो औरत मानी नहीं, बोली आपको देखे ही आना है। हैं? टेलीग्राम? सब कुछ घर जबानी दे दो। दिल्ली वाली कम हो बुआ? बुआ जी बेड़ा गर्क। मैं अर्चना जी, कभी मैंने आज तक किसी को बताया नहीं कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कहाँ एड्रेस है, पता नहीं लोग कैसे आ जाते हैं। हंस क्या रही हो? आपको भी तो हमने नहीं बताया था कहाँ शूट करते हैं। पता नहीं कहाँ से। किधर है? किधर है? चंदू किधर है रे? क्या हुआ? आज मैं उसको नहीं छोड़ेगी, मैं नहीं छोड़ेगी। हेलो, हाँ क्राइम पेट्रोल, हाँ जल्दी इधर आ जाओ, मैं इधर चंदू का मर्डर करने वाली है। आके शूटिंग कर लो, आपका एपिसोड का खर्चा भी बच जाएगा। जल्दी आओ इधर। सपना, चंदू ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा तो तूने उसको। हाँ। अरे एक बंदा जिसका हमारे सामने मुंह नहीं खुलता था। हाँ। आज ढाबा खोल के बैठे ला इधर। तो इतनी सी बात के लिए खून कर देगी उसका? खून तो क्या मुजरा करूं मैं इधर। अरे इसका खाना खा के बीमार पड़ गई, देख ले। हाँ। मेरे को जुकाम सर्दी क्या क्या नहीं हो गए। हाँ, और मालूम है जब से ढाबा खुले ला है मेरे इधर कोई कस्टमर भी नहीं आता है। अभी तो कस्टमर आने बंद हुए, चिट्ठी पढ़, तेरी सांसें ना बंद हो गई तो कहना। क्या है इसमें? कमो बुआ। अरे किस्मत की माँ का साकिना का। अरे कमो बुआ रे लिए। कप्पू एक काम करते हैं, हम लोग ना सुपरस्टार सिंगर में चलते हैं। तो उधर भी आ गई तो फिर केबीसी में चलेंगे। उधर भी आ गई तो? उधर भी आ गई तो फिर हम लोग फिर सीआईडी में चले जाएंगे। हाँ, और उधर ना दया को बोल के मैं बुआ को ही पूरा तुड़वा डालेगी। हाँ मैं सच्ची बोलती हूँ, चले कप्पू। लेकिन उसको तोड़ने से पहले मैं इसको तोड़ेगी। ए चंदू तू बाहर निकल, आज ना तेरी तंदूर में डाल के तेरा लंगूर नहीं बनाएगा, मेरा नाम भी सपना नहीं। बाहर निकल। आंटी जी फोटो पे हार तो मरने के बाद चढ़ाते हैं। तो हार चढ़ाने से पहले मर जाऊं क्या मैं? मेरा मतलब है आप जब मर जाएंगी तो कोई दूसरा आदमी आपकी फोटो पे हार चढ़ाएगा ना? नहीं 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 नहीं, बात का पता नहीं कि कोई चढ़ाए ना चढ़ाए, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अरे अरे तू एक बार मर के तो देख, लोग ना फोटो पे फूल का हार चढ़ाते ना, तेरे फोटो पे मैं जूते और चप्पल का हार चढ़ाएगी तू देख। दो मंजिला औरत, तेरे पे मैं कहीं गाड़ी ना चढ़ा दूं। अच्छा है, एक जाना एक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, दूसरे को पुलिस फांसी भी चढ़ा देगी, और मैं जाके किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ा दूंगा। हे भगवान, मेरी भगवान से एक ही विनती है, इस औरत को उठा ले, मैंने एक गरीब को भर पेट खाना खिलाएगी, आई प्रॉमिस। कौन सा गरीब आदमी? अपना चंदू। वो ही बोल रहा था, बहुत दिनों से उसने ना खीर पूरी नहीं खाई लाए। शरार के कौए से ज्यादा उछलने वाली औरत। ज्यादा बक बक की ना, मैंने तेरी टांगे तोड़ दी इधर। तू बोल मत, तूने ज्यादा बकवास की ना तो ऐसा उछल के तेरे को मारेगी ना, सेंट सेक्स से ज्यादा उछलेगी तू यहाँ पे। ओए, पड़ोसी मुल्क की जीडीपी से ज्यादा गिरी हुई औरत। तू मुझे क्या उछालेगी, तेरे जैसी औरतें तो मैंने अपने ढाबे पे चूहे भी होश करने के लिए रखी हुई है। और कपू शर्मा तू? मैंने क्या किया? तू कुछ करता तो मेरा बेटा इसके मुंह ना लगता। एक काम करो आंटी, पहले तो उसको फुटपाथ से उठाओ, आते जाते के पैरों में लगता है वो। तुम्हारे कहने का मतलब वो पत्थर है ना? कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में देखना पत्थर ज्यादा पूजे जाएंगे। हाँ? आने वाले टाइम में नहीं, अभी भी पूजे जाते हैं, पर एक दो ही पूजे जाते हैं, बाकी गंदी एड़ियां रगड़ने के काम आते हैं, बता रहा हूँ मैं। और वैसे भी जो सड़क के ऊपर से जादू टोने का सामान उठा के खाते है ना, उनकी पूजा नहीं होती है। तू चुप कर, तेरे जैसी औरतें ना पंजाब में बच्चा पैदा होने पर बधाई मांगने के लिए आती है। हाँ मैं बधाई मांगती है, लेकिन एक तेरे को बात बताऊं, जब तेरा चंदू पैदा हुआ था ना तो हम ही लोगों ने 12 दिन का शोक रखा था। हाँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब औलाद सही ना पैदा हुई हो तो कोई फेंक थोड़ी देता है। अब तुम खुद ही देख लो, गोविंदा ने तुम्हें बुलाना बंद कर दिया। किसी शादी ब्याह में मिल जाए तो हेलो है तो करते है कि नहीं तुमसे? ए खबरदार, जो अपने मुंह से गोविंदा का नाम लिया तो। हाँ। तेरे ना
पाप में ना चिंगारी लगा के राख बना डालेगी, मैं तेरे को समझी? तो कोई बात नहीं, बुला जिसका बुलाना है, मेरी गैस खुली रहेगी, मैं उसको बंद करके आती हूँ जरा। अभी बुलाती है। उनके पास तुम्हारा टैची कहाँ से आएगा बुआ? अच्छा, दूसरों की कुर्सी उनके पास हो सकती तो टैची नहीं। वैसे ना मैंने ना एक सलाह देनी थी अर्चना, पहला सिद्धू साहब कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए पैसा सोच समझ के खर्च ना। बुआ तूने आने का बताया ही नहीं। आने का बताया नहीं, टेलीग्राम किसने भेजा था? पुई ने। टेलीग्राम का जमाना थोड़ी ना बुआ, कोई फोन कर देती, कोई मेल कर देती। ना ना पुत्र, मेल मूल क्यों कर देती, मैं इधर मेल भेजती हूँ, तुम लोग मेल रहने देते हो, मेल को फीमेल कर देते हो। बुआजी ये सब छोड़ो, फूफा नहीं आए? फूफा अपनी शादी पे नहीं आए थे। शादी में नहीं आए तो कैसे, मतलब शादी अकेले कर ली आपने? मैंने तो MBA भी अकेले की थी। बुआ शादी में और MBA में फर्क होता है? ना ना पुत्र, कोई फर्क नहीं होता, शादी करके भी घर बैठना, MBA करके भी। बुआ कप्पू का कहने का मतलब है कि आपकी शादी कैसे हुई थी? ऑनलाइन। ले इसमें हंसने की क्या बात है, सच्ची ऑनलाइन थी। मैं फेसबुक पे पहली बार मिले हम, पहले ही लाइक पे प्यार हो गया, सत्तवें कमेंट तक तो हमने कर ली शादी। अच्छा फिर तो फूफा जी ने आपको शेयर और सब्सक्राइब भी किया रहेगा। ना ना बफरिंग ही करते रहते, नेटवर्क नहीं होता ना, ऐसे गोल गोल घूमते रहते। वैसे पूछो मैं बुद्धिया नहीं, मैं बच्चा कितना काम करता है, मेरे को बता कि आज को गेस्ट कुछ आने वाले कि नहीं? आएंगे बुआ, थोड़ी देर में आएंगे। सोगा आपकी सो लगी। आए आएंगे तो मेरे को आवाज दे ली। मैंने ना 5 किलो मटर खरीदे हुए हैं, क्योंकि जब गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं ना तो इतने सारे मटर चुगलियां करते करते कब छिले जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा आपका मतलब ये कि जितने सुपरस्टार इधर आएंगे वो बैठ के मटर छीलेंगे इधर? ले तो क्या सुपरस्टार काम नहीं करते? अब तेरे को क्या लगता है कि दीपिका पादुकोण घर में पंखे साफ नहीं करती है? और शाहरुख खान के अपने कच्चे नहीं धोता? इतना मेरा पूछ दो आए। अच्छा मेरे को एक बात बता, वैसे ये जो शाहरुख खान है एक फिल्म बनाने का कितना पैसा लेता है? मेरे को क्या पता बुआ कितने पैसे लेता है? इसको कुछ भी नहीं पता होता, सारा ध्यान इसका हेलो एंड वेलकम पे ही होता है। अर्चना से सीख कुछ, उधर इधर पैसा पैसा। बुआ अच्छा हुआ पागे ली, एक मिनट। ए चंदू की माँ, ए बाहर निकल। हाँ बड़ा गैस बंद करने अंदर गई ना, तेरा हुक्का पानी अब मैं बंद कराएगी, मेरे बुआ आ गई लिए। आ इधर। कौन है? ओए बहन जी, क्या हाल है बहन जी, बिस्किट खाइए। एक मिनट, ये तो कुत्ते के बिस्किट है, कुत्ते के बिस्किट खाती हो आप तो फिर भूख भी अच्छा लेती होगी। बुआ बुआ ये चंदू की माँ, ये मतलब मेरे को बहुत डराती है। तुझसे तो चुड़ैलों के बच्चे डर जाते हैं, मैंने तुझे क्या डराना है? क्यों झूठ बोल रही हो, इसको देख के आपका बेटा तो कभी डरा नहीं। एक मिनट बहन जी, आप ओए होए होए की मम्मी हो। बहन जी मेरी सुन लो बात, इधर कोई भी बात करना लेकिन मेरे बेटे के बारे में कोई बात नहीं जी करनी। बहन जी मैं तो आपके बेटे को टैलेंटेड कहने वाली थी, देखो इस शो से लोगों ने गाड़ियां बना ली, बंगले बना ले, घर बना लिए, इनके बेटे ने ढाबा बनाया। कितनी अच्छी बात बोली बुआ, बुआ थैंक यू। तू क्या थैंक यू कह रही है, बचपन से हमारे टुकड़ों में बन रही है।
और देखो पल पल के कैसे पहाड़ जैसी हो गई है। तुम्हें पता श्रीलंका तुमसे थोड़ा सा छोटा है। एक बात कहनी बहन जी, आप ना गली के कुत्तों से ना बिस्कुट छीन के मत खाया करो, अपनी शक्ल देखो कुत्ते जैसी होती जा। मैं ना नाभी में मुक्का मार के याददाश्त कमजोर कर देती हूँ। समझाओ इसका कोई। एक मिनट जी, हो क्या समझाएंगे। जैसे ना लोगों को गाड़ियों की कलेक्शन का शौक होता है ना अर्चना, हाँ। मेरे भतीजे को भिखारियों की कलेक्शन का शौक है। सारा भिखारी कटोरा की पूरा। ये सब छोड़ो, बैठो आराम से। आप कुछ खाओगे, आप कुछ लोगी। क्या देगा बेटा, सारा तो ये लूट गए। ये बार बार मेरे को काहे को बीच में ढकेल रहे आप। मेरे को कोई समय, आपके बच्चे जैसी हूँ ना। तू बदतमीज की बच्ची है। जी आपको एक बात कहनी है, आप जैसे लोग ना हमारे मोहल्ले में रामलीला पे लंगूर बनते हैं। हाँ जी, आपको पता है आप जैसी औरत ना हमारे उधर अंग्रेजों के कुत्ते धोती थी। हाँ, इनके जैसी औरतें होती जिनको बचपन में ना मुंह में पोलियो ड्रॉप्स नहीं ऐसे वाला मुक्का मारते। हाँ जी, और इनके जैसी औरत डेढ़ किलो मेकअप करके बाहर चल जाते थे तब भी इनकी तरफ कोई नहीं देखता। फिर घर आकर कुकर की सीटियों पर देख कर ना खुश होती रहती है। बहन जी कोई बात नहीं, हमारे घर में कम से कम कुकर सीटियां तो मारता है। इनके घर का कुकर इनको देख के सीटियां नहीं मारता, गंदिया गंदिया गालियां देता है। ऐसी औरतें होती है जो कल्ली पेंजी कल्ली बरात में ना सौ का चिल्लर इकट्ठा कर लेती नालियों में हाथ डाल डाल के। भिखारन कही की। हाँ जी, मैं भिखारन हूँ, इसकी मैक्सी मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन की है ना। हाँ तो क्या बुराई है मैक्सी में है? यही वाली सेम ड्रेस में खुराना पेंजी की बेटी में शादी में पहन के गई थी। आये आये, दूल्हे से ज्यादा लोग मुझे देख रहे थे। किसी दिन एक काम करो, टाइम निकाल कर चिड़िया घर जाओ, बालू से ज्यादा टीआरपी आपकी होनी है। कप्पू पुत्र, आज मेरा लाल में पुत्र ऐसे ना खड़ा होया कि मैं रोना निकल जाता। बुआ पता है ये क्या कह रही थी आपको? कह रही थी, कहती है ना सिंगापुर का तरबूज लगती है आपकी बुआ। नहीं नहीं, मैंने ऋषि बोला था, तरबूज नहीं बोला। एक मिनट कप्पू, मेरे को ना शताब्दी में यहाँ पहुँचने में 6 घंटे लगे है, लेकिन इसका मुँह तोड़ने में 6 मिनट लगेंगे। तो एक काम करो, 3 दिन इधर रुको, चौथा अपना करवा के जाना। मुंह देखो, ऐसे ऐसी औरतें होती है 5 मिनट सब्जी वाले का हाथ पकड़ती 6 टमाटर ले लेती है। और धनिये के लिए तो तरबूज उठा के ऐसे पप्पी भी कर लेती। वाह, अब बोल के दिखा, अब तीर के सामने तलवार आया है। तीर के सामने तलवार नहीं, मैक्सी के सामने सलवार आई है। तो क्या हो गया कप्पू? हाँ जी पुत्र जी, वैसे तो मैं साइज की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा आ जाने मैं सामने वाले का भगोल फाड़ देती हूँ। मैंने ना इस पे ना एग वाइट डालकर ना प्रोटीन वाला छित्र तुम्हारे मुंह पे मारना है। एक मिनट बहन जी, पहले क्लियर करने तो मेरे को, आप में से छित्र कौन सा है और आपका मुंह कौन सा है? चार चार चार, आंटी बुआ बुआ बुआ, आप बैठो आराम से बैठो। आप बेटा, मैं सिद्धू साहब हूँ, जो बैठ जाओ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं जंतर मंतर पे बैठती हूँ। अच्छा वैसे कपूर, मैं तो रोज मोबाइल चार्ज करती हूँ, लेकिन इसका मुंह देख कर ना मेरा लाठी चार्ज करने को मन कर रहा है। ए खबरदार, जो मेरी बुआ के बारे में कुछ बोला तो। ये बुआ, ये बुआ है, और इससे अच्छे तो किसी की बद्दुआ ले लेते। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे घर बद्दुआ हुई तो है चंदू, इससे अच्छा मुर्गी का बच्चा ही पाल लेती, बड़ा होके अंडे तो देता। आए मैं मर जा रहा था बुआ ये। मेरे को लगता है मैं जीत गई बू। ये अंडे की बात करके ना इसका मुंह एकदम आमलेट जैसा कर दिया, बहुत मजा आया। अंडे का ना इधर ज्यादा ही बातें हो रही है ना, तो लगता है सबकी बुर्जी बनानी पड़ेगी। एक मिनट, बुर्जी ऐसे बना देगी? कप्पू शर्मा की बुआ हूँ चांदनी चौक से, इतने वहाँ पे पटूरे नहीं भूलते, जितना मार मार के मैं तेरे को फुला दूंगी। ए! ए! बात आ गई बातें, अब हाथा पाई होगी। इधर आ जा, इधर आ जा। हाय हाय,
बारिश हो रही है हाँ। और आज हमारा यहाँ का माहौल भी थोड़ा शायराना होने वाला है। वाह। क्योंकि आज यहाँ दो बहुत ही जाने माने शायर और कवि आने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा, उस दमदार शख्सियत को जो ना सिर्फ अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं बल्कि इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बहुत से यादगारी गीत भी लिखे हैं। सो प्लीज वेलकम मशहूर उर्दू शायर और गीतकार डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राहत साहब कुछ दिन पहले आने वाले थे लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं आ पाए थे, लेकिन आज हमारी रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से राहत साहब आपकी पुरजोर फरमाइश के चलते एक बार फिर से हाजिर हैं। राहत साहब अभी आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है मालिक का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी का एक लखनऊ के एक शायर का शेर याद आता है इस मौके पर जी, कि बन गई जब आँख तो हम फिर से इतराने लगे, ऑपरेशन हो गया जलवे नजर आने लगे। ये अर्चना जी देख लो आप, आपके लिए आंखें बनवाई, सिद्धू साहब को धुंधला धुंधला ही देख गए। देखिए कपिल जी, एक लेकिन बहुत बड़ा फर्क आ गया जी, जब सिद्धू पाजी होते थे जी तो बार बार वहां से उठते थे और आकर गले लगा लेते थे। ये बहुत बड़ा, ये हमें बड़ा अच्छा रहा है। मुझे लगता है ये एक आमंत्रण है मेरे लिए। जी करिए। राहत साहब, आपको आपने बोला वो गले लगाते थे, हम भी गले लगाते। आज आप भी लैला लग रही हैं अर्चना जी। कमाल। अच्छा मजनू, आपने मुझे देखकर कहा अच्छा है। राज साहब जब पिछली बार आए थे तो सिद्धू साहब थे तो काफी राजनीतिक शेरो शायरी काफी हुई, तो राहत साहब का रोमांस पूरी तरह से निकला नहीं था, तो अब राहत साहब सामने इंस्पिरेशन भी है, हो जाए दो लाइनें जरा। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर नौजवान बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं जी, तो उनके लिए कुछ सुना दीजिए, लेकिन उसका असर ये हुआ कि नौजवानों की तो कोई आवाज नहीं आई, यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे थे। अच्छा जी, उनके चेहरों पर बहुत चमक आ गई थी। मैं फिर भी कपिल कह रहे हैं तो मैं इनके ऑनर में इनके एजाज में मैं सुनाता हूँ, नौजवानों के लिए है, बुजुर्ग इस पर अमल ना करें तो अच्छा है। सुने के राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी दे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कितने हाथ दबा चुके राहत साहब आज तक आप? साहब कितने हाथ दबा चुके इसकी तो मैंने कोई गुणाभाग कभी किया नहीं, लेकिन मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि आप शरीफ आदमी हैं। हाथ दबाना अभी मैंने बंद नहीं किया है। क्या बात है, आइए राज साहब आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए, आइए। अच्छा, अक्सर कवियों और शायरों को फकीर समझा जाता है, लेकिन राहत साहब का अगर आप एटीट्यूड देखें तो वो किसी बादशाह से कम नहीं है। बिल्कुल। जब ये बोलते हैं ना ऐसे बुलंद आवाज में कि आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, क्या मजा आता है सुन के, वो एक्चुअली बादशाह वाली फीलिंग आती है। राहत साहब, अर्चना जी ने एक्चुअली सुना नहीं, वो पिछली बार थी नहीं यहाँ पे, एक इनके लिए हो जाए। बहुत उत्सुक हैं हम। आप हमेशा हंसती और खिलखिलाती रहे, बहुत अच्छा लगता है आपको देखे के हिंदुस्तान में मुस्कुराने वाले लोग भी जिंदा हैं। ये सब इसकी वजह से। इसमें एक लफ्ज उर्दू का आ रहा है, लफ्ज हुजरा जी। हुजरा कहते हैं साधु संतों और फकीरों के रहने की कुटिया को, झोपड़ी को। अब इसका मजा लीजिएगा, दो तीन शेरें सिर्फ। जी जी। मैं हाथ पे तो इधर उधर कर सकता हूँ। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। कह रहा हूं कि मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, आप बहुत जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं। हाँ। जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं। पहले से ही वाह वाह। एक बात याद आ गई, शेर रुक गया। अब आपने इनको बोल दे कि आपने भी शामिल होना है तो वाह। पाकिस्तान में क्वेटर शहर है जी, वहां पर एक मुशायरा हो रहा था, उसको प्रेसाइड कर रहे थे अहमद नदीम कासमी, एक बड़े प्रोग्रेसिव राइटर हैं। अच्छा जी। वो अध्यक्ष थे, उनके पास में एक साहब बैठे थे, जैसे पूरा ना होने से पहले चीखे ना कि वाह 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 वाह,
वो पास में बैठे चिल्लाते थे कि सुभान अल्लाह शेर समझ में आए या ना आए, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो चीखते थे सुभान अल्लाह। तो नदीम कासमी साहब की जब कानों पर बोझ लगने लगी उनकी आवाज़, तो कहा कि मियाँ आप अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद करते हो, अगर अल्लाह ने आपको धीरे से भी याद कर लिया आपका ये मुशारा आखिरी हो जाएगा। ये सर कौन बढ़ेगा करोड़पति वाली ऑडियंस है इनको क्या सवाल जवाब होते रहे, बैठते रहे, सुनते रहे, अब आपने इनको बोल दे कि आपने भी शामिल होना है, तो वाह वाह पता नहीं कहीं पे आ रहा है। मजा लीजिए, शेर को मरने मत दीजिएगा। हाँ जी। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। अच्छा। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। वाह। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। इसकी हिफाजत कीजिएगा मेरे एक शेर की, कि मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं। कपिल आप भी दाद दीजिए ताकि मैं किसी को बताऊं तो ये कहूं कि वो भी शायरी समझता हूं। हाँ जी। सुनिएगा कि आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। क्या बात है। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे, क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा राज साहब, आप तो बोलते हो कि आसमान लाए हो जमीन पे रख दो, जब आप मुशायरा खत्म करके घर जाते हैं तो बीवी तो यही बोलती होगी कि कैश लाए हो अलमारी में रख दो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राज साहब की बीवी भी शायरी से खुश होती कि उनको भी नॉर्मल पतियों की तरह गिफ्ट देने पड़ते हैं आपको? शेर लोगों को सुनाता हूँ तब वो खुश होती हैं। अच्छा जी। मैं उन्हें सुनाता हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। जब भी मैं कोई ताज़ा गज़ल कहता हूँ, नया शेर कहता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी बीवी को ही सुनाता हूँ। अच्छा, तो क्या रिएक्शन रहता है? और रिएक्शन ये होता है कि अगर वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई या वो ऐसा लगा मुझे कि हाँ ये समझ गई है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये हिट हो जाएगा, सारा देश समझ लेगा। क्या बात है। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जब इसके समझ में आ गया है तो सारे देश को समझ लेंगे। क्या बात है। तो अब मैं एक ऐसे कवि को आप सबके बीच बुलाने जा रहा हूं जो अपनी रचनाओं से सबको हंसाते तो हैं मगर हंसी हंसी में बड़ी गहरी बात कह जाते हैं। प्लीज वेलकम व्यंगकार, साहित्यकार, हास्य कवि, हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चक्रधर। जोरदार तालियां होनी चाहिए जोशी के लिए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका, आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं। हाँ अफसोस है मतलब अफसोस नहीं, पहली बार क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए सर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है। नहीं मैं बेइंतहा खुश हूँ। थैंक यू जिसको इतना प्यार करता हूँ, जो इतना सलोना प्यारा सा, इसकी आंखों में शरारत, इसके ओठ जब थोड़े से उठ जाते हैं तो शरारत इधर से झरती है फिर उधर से गिरती है, फिर जब दंतावली पूरी दिख जाती है तो चांद तारे जो ला रहे थे ऊपर से वो सब यहाँ इनके अधरों के ऊपर आ जाते हैं। शुक्रिया अशोक जी, थैंक यू। बाकी वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके आने से पहले राहत साहब गले मिल चुके हैं वो मैं पीछे मॉनिटर पे देख के सुलग चुका हूँ। अशोक जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। मजा आएगा आज हमारे दर्शकों को। अशोक जी हिंदी साहित्य में तो आपका काफी योगदान रहा है, बहुत सारी चीजें जो मुझे मेरी टीम के लोगों ने बताई कि जिसमें आपने पहल की है, जैसे कुछ कोई सॉफ्टवेयर बन रहा था हिंदी साहित्य के लिए तो उसमें आपको बुलाया गया गूगल द्वारा, सर कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। गूगल ने तो बाद में याद किया लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने पहले किया। अच्छा जी। और मैंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने वाली तो युवा टीम होती है जी, मैं उसका हाई एंड यूजर रहा।
अच्छा जी, और फीडबैक देता था कि कहाँ क्या गलत है। अच्छा जी, हमारी सारी भाषाओं को कंप्यूटर का जो सहारा मिला है जी, उसने सबको व्हाट्सएप दे दिया, आप सब हिंदी बोल के लिख सकते हो जी, और अपने जज्बात का, अपने एहसासात का, अपने दिन और रात का, बेबात का व्हाट्सएप कर सकते हो। बिल्कुल। अशोक जी के पिताजी डॉक्टर राधे श्याम जी, इनके ससुर काका हाथरसी साहब, जोर-जोर तालियां होनी चाहिए, बड़े महान कवि हुए हैं। आप खुद कवि हैं अशोक जी, इनकी पत्नी भी कवि हैं। तो सर, अर्चना जी का ये सवाल था, कह रहे कि आपकी शादी जो है मंडप में हुई थी कि कवि सम्मेलन में हुई थी? मुझे याद है कि चौड़े में हुई थी। अच्छा जी, काका हाथरसी जी ने, हमारे ससुर साहब ने मेरे पिता को एक दोहा लिख के भेजा। अच्छा जी, कि जाने कब हो जाए क्या भली करेंगे राम, काका के समधी बने बेटा राधे श्याम। क्योंकि मेरे पिता उम्र में उनसे छोटे थे काफी, लेकिन मेरे पिता, सचमुच आपने उनका याद दिला कि मेरे मन में उनके प्रति आस्था की जो ज्योत है वो जगा दी। उनकी दो पंक्तियां मुझे याद रहती हैं, वो मैं भेंट करके जा रहा हूं। मेरी तरफ से ये दो पंक्तियां आपको भेंट हैं। उन्होंने कहा कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। वाह, क्या बात है। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। सर, शायर और कवियों के बारे में कुछ अफवाहें हैं तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई शायर जो है, जो अपनी कविता पढ़ता है, जो भी कवि अपनी कविता पढ़ता है, तो पहले वहां की ऑडियंस की तारीफ इसलिए करते हैं कि वो कहीं उठ के भाग ना जाए। नहीं नहीं नहीं, कपिल माफ कीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपकी तारीफ की थी। हाँ, इन लोगों की बाद में तारीफ की। मैंने तो ये कहा कि भाई ये मेरे कदरदान है, आपकी तारीफ सबसे पहले की, और मैं, ये मेरे जो सुनने वाले हैं, मुझे पसंद करने वाले हैं, यही लोग हैं जिनकी वजह से एक शेर के बाद मैं दूसरा शेर लिखता हूँ, दूसरे के बाद तीसरा लिखता हूँ, एक किताब लिख देता हूँ, दूसरी किताब लिख देता हूँ, इस तरीके से कोई दर्जन भर किताबें सारी दुनिया ने मेरी पसंद की है। ये सब आप ही लोगों की। यहाँ पे पता नहीं अजीब सी बात लिखी हुई, बोलते कि जब एक कवि लोन के लिए अप्लाई करता है और दूसरा कवि गारंटी देता है तो दोनों को जेल हो जाती है। नहीं नहीं, आप ये अफवाह जो है ना, ये सच्चाई बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कवि नहीं लेते हैं लोन, क्योंकि वो लिफाफे में भरोसा करते हैं। बहुत अच्छे, लिफाफे में भरोसा। अरे सर, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे सर, वाह वाह वाह, इतने बड़े शायर, इतने बड़े अर्चना जी, आप लोगों को देखकर सर हम तो धन्य हो गए यार। वाह 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 वाह, हमें माफी चाहेंगे, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी। वैसे बताइए कैसे हैं आप? श्री राहत इंदौरी। हेलो पौजी सर, हमारा हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारी हिंदी भी जाए, थोड़ी सुधर। वैसे कैसे हैं आप? श्री अशोक चक्रधर। वाह बच्चा, आज बड़ा तेरे अंदर का कवि बाहर आ रहा है। हमारे अंदर का कवि बाहर आ रहा है यार, क्योंकि क्या है कि हमारे अंदर का कवि जो है ना, वो काफी आउटडोरी है, इनडोरी नहीं है। बस सर ऐसे ही चलता है सर, ऐसे हंसी मजाक के लिए हम ऐसे बातें बना देते हैं, हम पता नहीं कैसे ऑडियंस को हंसा देते हैं। सोनी वाले इसी चीज को टीवी पे चला देते हैं, स्पॉन्सर इसी पे पैसे लगा देते हैं, और अपना जीवन हम ऐसे ही चला लेते हैं। लेकिन यार कमाल का बात देखिए अर्चना जी, हमारे शो पे कोई अपना आर्मी से तो है नहीं, हाँ, फिर भी आज हमारे शो को अशोक चक्र मिल गया। आज बरसात भी है ना, चोटी पूरी तन के खड़ी इसकी।
लेकिन हमें ये कवियों को कहते हैं चोटी का कवि, ये सचमुच है। शुक्रिया सर, लेकिन हमें पता है लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे तो आप हमें धर के देंगे अशोक चक्रधर जी। लेकिन अर्चना जी, सच्चाई में आज हम बहुत खुश हैं। क्यों? मतलब क्या विद्वान लोग, ज्ञानी लोग आए हैं। एक तरफ ज्ञानी, एक तरफ महाज्ञानी। अज्ञानी ये आदमी करता रहेगा अपनी मनमानी। वैसे आप लोग बताइए क्या लेंगे, चाय या पानी? अरे यार, ओहो, मतलब काफिया पे काफिया मिलता गया और कारवां बनता गया यार। कैसे कर लिया हमने ये यार, जादू है। आपको नहीं लगता कि हमें अपना खुद का एक कवि सम्मेलन रखना चाहिए? इतना जो हमारे अंदर से टैलेंट निकलता जा रहा है। नहीं नहीं सर, आप लोगों से प्रेरित होकर सच बताएं तो हमने एक शेर लिखा है, आप अगर इजाजत दें। इजाजत है, इजाजत है। ऐसा नहीं यार, एक कवि सम्मेलन का माहौल होता है, माहौल बनाना पड़ता है। और हमें देखे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कप्पू शर्मा हमारी शायरी पे वाहवाही तो करेंगे नहीं। तो हम अपना पर्सनल वाहवाही लेकर आए हैं, इफ यू डोंट माइंड आई विल जस्ट कॉल देम। पीटर वेलकम। हेलो सर, ये पीटर है, मेलकम है, हमारे मोहल्ले से। हाँ पीटर, हाँ मेलकम। देखो यार, अब यहाँ पर ना शेर शायरी का प्रोग्राम होने वाला है, हम सुनाने वाले हैं शेर। तुम्हें क्या करना है, हमारी हर लाइन के ऊपर तुम्हें वाह वाह करना है, बस। वाह वाह वाह। अभी लाइन बोले नहीं है यार, हर लाइन मतलब एकदम हर लाइन नहीं, हम जब अर्ज करेंगे तब तुम्हें वाह वाह करना है, ठीक है? पे से खिदमत है। हाँ इरशाद। घूंघट डाल के निकला करो, जमाना बहुत खराब है। वाह वाह। आपने अर्ज कहाँ किया? तो अभी हमने पेश किया ना। आपने पेश किया, अर्ज नहीं किया। थोड़े से अज्ञानी है सर, माय एलोपॉजी, इनको पता नहीं है। ठीक है यार, हमसे गलती हो गया दोस्त, अब हम अर्ज करेंगे, ठीक है? हैप्पी है? तो अर्ज किया है। वाह वाह वाह। अरे अभी अर्ज किया नहीं है। अभी अर्ज किया नहीं है तो बोला क्यों कि अर्ज किया है? अरे ये शायरी का तरीका होता है सर, सब ऐसे शुरुआत में बोलते हैं कि अर्ज किया है, फिर शायरी पढ़ी जाती है। अब हम बोलेंगे अर्ज किया है, उसके बाद हम जब लाइन बोलेंगे तब तुम्हें वाह वाह करना है। आया बात समझ में? Got it? Good. अर्ज किया है, घूंघट डाल के निकला करो। वाह वाह। अरे यार बीच में क्या बोला यार, बीचों बीच बस वाह 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 वाह। पूरा लाइन तो खत्म होने दो यार, लाइन खत्म होगा तब वाह वाह करो ना, बीच में बोलोगे तो कैसे करेंगे हम पूरा शायरी? तो हमें कैसे पता लगेगा कि लाइन कहां खत्म हो रही है? हम लाइन के बाद ना इशारा करेंगे। हाँ आप बोल देना, इडिपाई किटिपाई चिकी लग के चो। यानी हम बोले कि घूंघट डाल के निकला करो, जमाना खराब है, इडिपाई किटिपाई चिकी लग के चो। तुम्हारे इशारे के लिए पूरा शेर बर्बाद कर दे। एक वावा करने में नानी मरती है तुम्हारी। वावा, अरे आप वावा करने की जरूरत नहीं है। वावा, अरे नहीं सुन रहा है, खत्म हो गया वावा। वावा, अरे कान के नीचे देंगे तुमको आप। वावा, अबे एक सही टाइम पे वावा कर दोगे तो तुम्हारी मौसी गिटार वाले के साथ भाग नहीं जाएगी। वावा वावा। ए, मेरी मौसी के ऊपर क्या वावा कर रहा है? तेरी बुआ अगर गिटार के साथ भाग गई तो? ए खबरदार, मेरी बुआ के बारे में कुछ भी बोला तूने? पहले तू मौसी के बारे में बोला। मेरे बुआ के बारे में कैसा? मौसी के बारे में बाहर आ, तेरे को सिखाता हूं बाहर। इधर आ, तू बाहर चला जा। हो गया। रियली माय एलोपॉजी सर, कोई बात नहीं। लेकिन हम अपना शेर जरूर पूरा करेंगे। हाँ, जरूर, हाँ। जरूर, तो घूंघट डाल के निकला करो, जमाना बहुत खराब है। वाह। घूंघट डाल के निकला करो, जमाना बहुत खराब है। तुम्हारी माँ अगर आइस क्यूब है तो हमारा बाप भी शराब है। कैसी लगी सर शायरी?
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। वाह वाह सुन मर गया मोटा शायर एक। तू उनके पीछे पड़ा, अरे जरा इधर तो देख। अभी तो यार 5 मिनट ही वेस्ट किए हैं, नॉर्मली आधा घंटा कर देता है। कपू शर्मा ये जो बात आपने कहा ना, हाँ दिल पे लग गया यार। अच्छा चोट लगी है हमें, घाव हो गया है। ओहो। हमें दवा चाहिए और दवा देंगे राहत जी, बिकॉज ही इज MBBS। उन्होंने कहा है MBBS किया है, उन्होंने PhD किया है। हाँ लेकिन मुन्ना भाई MBBS किया है। किया है नहीं सर। हमें पता है सर गाने आपने लिखे हैं, बोले तुम बोले तुम बोले तुम बोले तुम। कपू शर्मा खबरदार अगर आप हम सब के बीच में अब बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो। वैसे तो आप हास्य रस के कवि हैं, आप चाहें तो वीर रस में इसकी चुटिया भी पकड़ सकते हैं आप। वैसे सर आप में और कप्पू शर्मा में भी एक चीज कॉमन है। क्या? आप 4 लाइन सुनाते हैं, ये 4 बातें सुनाते हैं। ना तो जब वो लोग सुनाते हैं तो दाद भी मिलता है, तो आप जब सुनाते हैं तो क्या हम पाप देते हैं? एक और चीज है सर, आप लोग भी लिखते हैं हम भी लिखते हैं, कमाल की बात है। देखिए बड़ा लिखने वाला, आता है तुझे कुछ लिखना? अरे हमें सब आता है सर, गजल नज्म, हम अपना शेरो शायरी कविता अपना हास्य रस सब लिखते हैं सर। हाँ। हमें सब आता है। हाँ, चीख डकार पता नहीं क्या क्या आता है। हाँ तो इतना सारा दिन भर में अंदर जाता है तो कुछ ना कुछ तो बाहर आता है। ये तो प्रकृति का नियम है सर। किसका नियम है? प्रकृति का। यार ये होता है एक प्रकृति, अरे किसका नियम होता है यार? कुदरत का है, कुदरत का नियम है। ये देखो ये आदमी भी नहीं बोल पाएगा, इसने कुदरत निकाला है। प्रकृति, प्रकृति बोल लिया यार, मैनेज किया है किसी तरह। वैसे सर शेरो शायरी का इतना शौक रखते हैं हम, अपनी अपनी खुद की किताब लिखी है हमने, बच्चा यादव की फेवरेट शेरो शायरी, उसका विमोचन एक्चुअली हम आप लोगों से करवाना चाह रहे हैं। उसमें से 1 लाइन सुना दें। हाँ। अर्ज किया है, राज जो भी हो इशारों में बता भी देना। राज जो भी हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उनसे मिलाना तो दबा भी देना। झूठे कहेंगे ये तो राहत साहब की लिखी हुई है। तो वो आए तो उन्हीं की सुनाएंगे यार। अमिताभ बच्चन की फिल्म में अमिताभ बच्चन ही आएंगे ना, सिद्धू जी तो नहीं आएंगे ना। सिद्धू जी तो आजकल यहां भी नहीं आते। उनकी याद आती है अर्चना जी, आपको उनकी याद आती है? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम लोग मुझे रोज याद दिलाते रहते हो। हाँ याद आए ना आए। नहीं आपको क्यों आएंगे? नहीं ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन हम मोमेंट को ऐसा सैड नहीं होने देंगे। थोड़ा सैडनेस आ रहा है लेकिन हम सैड नहीं होने देंगे सर, माहौल के लिए हमारे पास जॉक्स का पिटारा रहता है। तो इस मौके पे जॉक जो है पेश कर देते हैं, एक जो सुई का छेद है हाँ उसमें से हाथी को गुजरने से हम कैसे रोक सकते हैं? उसकी पूंछ पे आप गांठ बांध दीजिए। नहीं गुजर पाएगा हाथी गुजर। एक और पेश कर रहे हैं, सफेद शेर है व्हाइट टाइगर, सफेद शेर जब पानी में जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? वो गीला हो जाता बस सर इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ सर आपसे मिलकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कपू शर्मा यो ब्रो यो, चलिए चलते हैं। अच्छा एक एक राहत साहब, एक आपसे मशवरा करना था कि जैसे नई नई शादी होती है, जब आदमी प्यार में होता है तो उसे बादल बरसात बिजली भी कड़कती है तो उसमें भी रोमांस नजर आता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप अपनी उम्र से कम उम्र की शायरी करते हैं, इतना रोमांस कहाँ से लाते हैं राहत साहब आप? नहीं देखिए ऐसा है कि मैंने कभी भी ये सोचकर नहीं कहा कि ये शेर मैं अशोक चक्रधर के लिए कह रहा हूँ जी, ये कपिल शर्मा के लिए कह रहा हूँ, या ये इनके लिए कह रहा हूँ या इनके लिए कह रहा हूँ। मैं
दिल से कहता हूँ और छोड़ देता हूँ शेर को, जिसके काम क्या होता है वो काम कर लेके अपने साथ चला 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 जाता है। देखिए जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं। और अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। ये जो गुजरा है किसी दिन गुजरने वाला था, गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बज भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। वाह क्या बात, पछताना ना पड़े कपिल कि मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, नौजवान जितने उसमें शामिल थे इसमें भी शामिल हो जाएं तो मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। जी जी, जी। सुने सुने के तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत शुक्रिया। एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैंने शेर पढ़ा ये अच्छा था। एक बार फिर कोशिश करता हूं। आप तो मुझ पर यकीन मत करें, बिल्कुल मत करें, कपिल शर्मा पर यकीन करें। अगर मैं खराब शायर होता तो कपिल शर्मा मुझे बुलाते ही क्यों? एक आध गजल के दो तीन शेर सुनाने की हिम्मत करो। प्लीज प्लीज सर। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। ये झंझोड़ का मजा लीजिए। जी 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 जी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। क्या बात। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जोड़ दूंगा उसे। साहब मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। वाह वाह वाह, क्या बात। आप सुनिएगा अशोक भाई जी। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन। आहा। उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। कपिल आपके ऊपर कुदरत ने इतनी मेहरबानी दी है कि आपका भोला चेहरा दूसरों को दुखों से निजात दिला देता है। तो ये कपिल की क्षमता है। मैं कहूंगा कि न केवल भारत में, न केवल विश्व में, बल्कि ब्रह्मांड में अगर किसी में ताकत है तो कपिल में है कि वो उनकी सारी सत्ताओं को, नक्षत्र मंडल को हंसा सकता है। कपिल एक कविता जो बहुत लोकप्रिय हुई उसका एक अंश सुनाता हूं। जी प्लीज। तो मैं खड़े होकर सुनाता हूं। जी जी सर प्लीज। वाह वाह। एक नटखट छात्र ने अपने अध्यापक श्रीमान जी को SMS भेजा। अच्छा। सर फ्राई हो गया है भेजा। अच्छा। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। अच्छा अध्यापक ने भी लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब के मरता नहीं देखा। चुल्लू में डूब कर मरने के मुहावरे का मजाक बनाते हो, गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रिरियाते हो, बाल्टी भर बेशर्मी को पी जाते हो, नदी भर अपमान को सह जाते हो,
और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाके लगाते हो। उन्होंने भी अपना मैसेज कर दिया सेंड। फिर कपिल से बोले, फ्रेंड ये चुल्लू वाला तो हमें खरुल्लू बनाता है, लेकिन अफसोस उसका होता है जो डिप्रेशन में आके, अवसाद में आके प्राण गंवाता है। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद। ऐसा तो हरगिज 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 ना हो। कपिल अब तुम भी तो कुछ कहो। वाकई बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है। जी बहुत ज्यादा रहता है। और अब तो काफी सुधर गए हालात सर, फिर भी? हालात सुधरे हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनमें कि रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है। जी। एक कविता और सुना देता हूँ इन बच्चों के लिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ जो अवसाद में आ जाते हैं। जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। ऊंची ऊंची लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झूठा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम। लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झूठा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम, मैं नभ में ले जाऊंगा फिर धरती पर लाऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे ऐसे गाने गाऊंगा। वाह। आंसू के दल दल में दुनिया नाहक आग बबूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला। क्या बात है सर। राज साहब, अशोक जी, आपसे एक सवाल था कि जैसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, आप अलग अलग जगहों पे जाके आप मुशायरा करते हैं, अपनी कविताएं पढ़ते हैं, कभी ऐसा हुआ किसी ने बुलाया बड़ी इज्जत के साथ हो, पूरा फ्लाइट में अच्छे अच्छे होटल में, मुशायरा भी अच्छा हो गया, लेकिन मुशायरा खत्म हुआ हो तो पता चले कि ऑर्गेनाइजर भी गायब है और पेमेंट भी साथ में ले गया? देखिए, कवि सम्मेलन के प्रारंभ में या मुशायरे की शुरुआत में और अंत में चरित्र बदल जाते हैं, मित्र बदल जाते हैं, इत्र बदल जाते हैं, खुशबूएं चली जाती हैं। जब हम आएंगे तो रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे मालाएं लेके आएंगे, हाँ। और जब जाने का वक्त आएगा तो हम रिक्शा ढूंढना पड़ेगा। ये भी कितनी बार छोड़ गए हमें लावारिस। अच्छा, हाँ, लेकिन आज एक बात बताऊं कपिल शर्मा जी, कि आपसे कोई खतरा नहीं है हमें। मैंने तो ऐसा भी देखा कपिल कि कवियों ने एक जीप किराए पे ली, खुली जीप। अच्छा जी। और साउंड सिस्टम किराए पे लिया। अच्छा जी। और पूरे शहर में घूमे, मोहनलाल तेली जी जहां कहीं हो आ जाएं, हम कवियों का अभी तक पारिश्रमिक नहीं मिला है, ये बात हम सरेआम पूरे शहर से कह रहे हैं। बाप रे, मोहनलाल तेली ना निकले, हमारा तेल निकल गया। राज साहब, कुछ मजेदार हो जाए, बाहर बारिश हो रही है तो जरूर कुछ ऐसे ही। एक दो शेर का आपकी लुक में से किसी ने कहा है, पुराने शेर है मेरे, लेकिन हुक्म दिया है कि ये जरूर सुना दें। स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, इससे पहले ही आपको शुक्रिया अदा कर दूं। ये इस फकीर ने भी गजल कहने की कोशिश की है, उसके दो तीन शेर सुनाता हूँ जी। सुनिए कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, कपिल मैं ये शेर तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ, तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो, नजर करता हूँ तुमसे। शुक्रिया। सुने कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्या बात है। वाह। मेरे बेटे मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। एक छोटी सी गजल मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें भी एक लफ्ज़ आ रहा है जिसका मुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ है खसारा। खसारा कहते हैं घाटे को, नुकसान को। अच्छा जी। कहता हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा, मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, अच्छा तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, वाह
तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तब एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। अशोक भाई सुनिएगा शेर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। क्या बात है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज राहत साहब के परिवार से भी उनके पारिवारिक मेंबर आए हुए हैं, उनके सुपुत्र सतलज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनकी बेटी हैं यहाँ पे, उनके दामाद साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सतलज, मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। चार लाइनें सुना देता हूँ। जी जी प्लीज। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझ। क्या बात है, क्या बात, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बढ़िया राज साहब, क्या बात है। अरे साहब, अच्छा राज साहब, आज जितने भी लोग यहाँ पे आपके चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर अपना भी एक शायर छुपा हुआ है, तो अशोक जी ये सब आपको सुनाना चाहते हैं, आप सामने हैं तो जिन जिनको सुनाना है कुछ सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा वाला, जी जी बोलिए। टूटे हुए प्याले में कभी जाम नहीं, एक मिनट एक मिनट। हेलो सर। नमस्ते जी। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। मैडम कहाँ है? अर्चना मैम। तो मैडम की तरफ देख के बोलिएगा ना। हेलो हेलो, आपका नाम? मैं तानिया बोल रही हूँ। तानिया कहाँ से बोल रही है? तानिया गोरखपुर। मैं आप सभी को एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। जी। टूटे हुए प्याले में कभी जाम नहीं आती, इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आती, ए दिल देके तोड़ के जाने वालों जरा ए भी तो सोचा होता, टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं। चलो घर चले चलो। प्यार की आग से, प्यार की। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गोरखपुर की ट्रेन भी अभी है थोड़ी देर में, आराम से कोई बात नहीं, दूसरा एक और आए, वाह। प्यार की आग से पत्थर भी पिघल जाती है, वक्त के साथ मजबूर होकर इंसान भी बदल जाते हैं, अगर मोहब्बत में कोई सच्चा हमसफर मिल जाए तो गिरे से भी गिरे इंसान संभल जाते हैं। वाह, शो खत्म हुआ, इसके बाद देखिएगा क्राइम पेट्रोल। तान्या शेर बड़े मजेदार पढ़े आपने, पर हाँ आपके तो नहीं थे है ना ये, मतलब ऑब्वियसली आपके नहीं, पर सुने मैंने पहले भी सुने, ये मजेदार थे। ताना क्या सर, मेरे ही थे, मैंने खुद लिखे हैं इसको। कॉन्फिडेंस आपका था ये मैं मानता हूँ, शेर किसी का भी हो, आत्मविश्वास आपका था। और कुछ सुनाइए एक आध। सजदे दिल के तराने बहुत हैं, सजदे दिल के तराने बहुत हैं। एक मिनट, पहली लाइन पढ़ ले, पहली लाइन आराम से, पहली लाइन दोबारा आराम से पढ़िए। सजदे दिल के तराने बहुत हैं, सजदे दिल के, सईदे दिल के तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। हाँ जी। दुआ करते हैं आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे शायर को एक मुशायरे का प्रोग्राम बुक हो, 10 मुशायरों का पढ़ाएंगे। सामने वाले को दाद देने का टाइम भी नहीं मिलता।
Thank you, Tanya. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. और कोई हमारे दोस्त जी ये आए हैं आउटडोर शायर हैं हेलो कपिल सर हेलो क्या हाल है सर अच्छे हैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ और इसीलिए बोला है आपको खड़े होने के लिए जी जी क्या नाम है आपका नीरज सर जी नीरज लड़कियों के जो बाल होते हैं ये लड़के फंसाने के चाल होते हैं न जाने कितना खून किया है इन्होंने तभी इनके ओंट लाल होते हैं इस कविता से हिंसा की बू आ रही कि ये इतना और भी आगे हाँ और है सर अच्छा है मैंने मुझे लगा खून हो गया उसके बाद तो खत्म हो गया मामला अच्छा कत्ल के बाद भी है कुछ मंदिर है भगवान का हाँ जी मंदिर है भगवान का पूजा तो कीजिएगा वाह आपका इंतजार है दर्शन तो दीजिएगा कहाँ से आए हो नीरज आप सर मैं यूपी से हूँ यूपी वाले बड़े शायराना हो रहे हैं आज शुक्रिया नीरज थैंक यू जी सर और कोई हमारे दोस्त जो पढ़ जी यस ब्यूटीफुल हाय कपिल हाय मैम हाय मेरा नाम फरीन शेख है मैं खुद शायरी लिखती हूँ अच्छा वाह तो आई होप कि वो सर को पसंद आए खुद का लिखा हुआ सुना रही हैं क्या बात है वाह सुनाइए तुझे तेरी जीत मुबारक जश्न तो मेरी हार का होगा वाह वाह तुझे तेरी जीत मुबारक जश्न तो मेरी हार का होगा जीतते तो काफी लोग हैं लेकिन शायद ही हमसा कोई हारा होगा ओह क्या बात वाह क्या बात है फरीन बड़ा अच्छा लिखती हैं आप थैंक यू उर्दू भी पढ़ती हैं आप हाँ जी अच्छा और कुछ और जी साकी देख जमाने ने कैसी तोहमत लगाई है वाह साकी देख जमाने ने कैसी तोहमत लगाई है आंखें तेरी नशीली है और शराबी हमें कहलाई है वाह क्या बात है शुक्रिया फरीन थैंक यू सो मच आने के लिए धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जो आप जी मैडम हेलो कपिल सर कैसे हो आप आई एम गुड आप आई एम आल्सो गुड क्या नाम है आपका निशा ओ है निशा जी निशा कहाँ से है निशा आप मैं मुंबई से अच्छा जी क्या कहना चाहती हैं आप टमाटर तो लाल है टमाटर तो लाल है एक सेकंड अच्छा शेयर शुरू कर दिया किसने कहा टमाटर लाल है किसने अच्छा शेयर शुरू हो गया अच्छा मुझे लगा सॉरी राज साहब सुनिएगा जरा कभी आपको मौका नहीं मिला होगा ऐसी शेयरिंग हाँ जी किसने कहा टमाटर लाल है किसने कहा टमाटर लाल है हाँ जी लाल तो आपके गाल है गाल पे जो तिल है वो तो मेरा दिल है हाँ जी आगे राज साहब ना सोच रहे हैं कि काश जहाज मुझे यहीं से ले जाए एयरपोर्ट भी ना जाना पड़े निशा क्या बात है ये आपने लिखा है नहीं हम स्कूल में थे तभी हम लोग मस्ती करते थे फ्रेंड्स लोग तभी वो स्कूल में सहेली आपस में ऐसे तो आपने क्या सोचा हमने नहीं सुना होगा स्कूल में थैंक यू निशा और कोई हमारे दोस्त जी मैडम पुरुषो क्या 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 हाल है जी कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ हेलो राहत सर हेलो अशोक सर वैसे मैंने भी आपके लिए कुछ लिखा है जी पर उससे पहले मेरा एक सवाल है अशोक सर जी प्लीज आप इतने पॉपुलर हैं आपको कई फीमेल अटेंशन मिलती तो होंगी पर जब आप अपनी वाइफ के साथ कोई इवेंट पे जाते हैं तो वो कैसे हैंडल करते ओ अशोक जी ऐसा आप ठीक कह रही हैं कि जो लोकप्रियता है उसका एक दंड होता है कि आप घिर जाते हैं महिलाएं यदि घेर लें तो करता अरदास बॉस उधर वो खड़ी हैं मैं हूं उनका दास अच्छा अभी जाने दो बहना मगर सब मिलती रहे जी मैडम हाँ मैंने आपके लिए कुछ लिखा है जी प्लीज इरशाद कपिल ऐसी कैसी है आपकी हस्ती कितने तो दर्द आपके भी होंगे कितनी तो तकलीफें आपकी भी होंगी पर कभी ना जताया कभी ना बताया बस हर बार सबको दिल से हंसाया कैसे शुक्रिया करे आपका क्या तोहफा दे आपको कुछ है भी तो नहीं हमारे पास इन लफ्जों के अलावा बस यही दुआ रहेगी इसी तरह हंसाते रहे मुस्कुराते रहे और हर रोज टीवी पे आते रहे क्योंकि कपिल आप हो ही हस्ती ऐसी वाह क्या बात धन्यवाद वाह वाह वेरी नाइस हाय कैसे वाह अरे वाह सर लोग के लिए जोरदार ताली अशोक चक्रधर जी के लिए और जोरदार ताली हो जाए
अशोक सर कैसे आप? जी मैं बहुत अच्छा। सर आप अपना चक्र किधर धर के आए सर? मेरे को बता देना सर, मेरे को वो लगेगा। अच्छा क्यों? आपको लगेगा तो हम दे देंगे। हाँ दीजिएगा सर, थैंक यू। हेलो सर कैसे है? प्रणाम जी। तेरे राज सर। राज सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। आपने क्या बोले ले, आपका एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। आसमान लाओ जमीन पे रख दो, कितनी बड़ी बात है। तो इनके शेर हैं, खूबसूरत शेर हैं। हाँ तो मैंने कब बोला कि इनके चिमगादड़े शेर ही है, मेरे को मालूम है। सर आपकी तबीयत कैसी है अभी? सर मैं दुआ करती आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे सर। सर एक बार ऐसा सांस लीजिए ना, अभी छोड़िए। ये क्या कर रही है? मैं राहत की सांस ले रही हूँ। सॉरी सर, हमारे ऐसी बातों से घर चलता है, फालतू बातें करके घर चलाना पड़ता है सर। करोड़ों रुपए मिलते फालतू बात करने के, क्या करेंगे सर। सर मैं सच्ची बोलूं, मेरा बहुत मन करता है सर कि मैं इंटेलिजेंट बात भी करूं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है ना कि सामने कौन बैठा है। नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही, पीछे वो मोटा बैठे लेना उसकी बात कर रही है। इन लोग के लिए बोलना पड़ता है ऐसा। सर हम लोग ना ऐसा बात को कवर भी कर लेते। अच्छा सर आपने करीब के गाने लिखे थे ना, तो आप सिर्फ करीब के लिखते क्या, दूर के गाने नहीं लिखते आप? सपना करीब फिल्म का नाम था। अच्छा सर मेरे को आपको एक बात पूछनी थी, आप सब लोगों से इतनी दाद लेते तो आप लोग को खुजली नहीं होती क्या? तूने फिर फालतू बातें करनी शुरू कर दी ना, चल यहाँ यहाँ। मेरे को सर आपसे एक और बात करनी है। हाँ। आपके जो शायरी मुशायरी में वो एक बंदी आती है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कौन बंदी? तुक बंदी। सर मेरे को ना आपसे एक और बात करनी है। एक एक बात करके कितनी बातें पूछ रही है? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है सर, भी चार चार लाइन बोल के सौ सौ लाइन सुनाते है ना, मैंने कुछ बोला क्या क्या? तो आ गई तुझे गजल शेर के बारे में पता है कुछ? सब मालूम है मेरे को गजल शेर के बारे में। क्या? सर जब इंसान का दिल टूटता है ना तो अंदर से शांति थोड़ा दे। जब इंसान का दिल टूटता है ना तो अंदर से शेर और गजल निकलता है। अच्छा। और हमारे इधर कुछ टूटता है ना तो माँ का चप्पल निकलता है नाले से ऊपर। सर माँ से मेरे को याद आया, ये कप्पू है ना, इसका आप लोगों से सर एक सवाल था। सर माँ की ममता रहती है तो बाप का क्या बेवड़ा रहता है? ओए झूठी कहेगी, मैंने कब पूछा ये सवाल? हाँ तू भी बच्चे लोग का नाम लेके इधर फालतू सवाल पूछता है ना। मैं रुको रुको, इसका मैं आज भेद खोलती है। जब भी इसको कोई फालतू सवाल पूछना रहता है खुद पे नहीं लेता है। सर अर्चना जी का ये कहना था, सर बच्चे लोग का वो कहना था। ऐसे करता है। तेरा सब भेद खोलेगी मैं। सर मेरा ना नाला सुपर में एक छावा है, छावा नहीं छावा समझते सर? जिसकी छाया होती है। नहीं वैसे तो मेरे को छाया में ही मिलता है वो, लेकिन छावा मतलब बॉयफ्रेंड है। से छावा 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 ऐसे हम लोग नाचते हैं उधर नाले। तो मेरा छावा है सर, वो भी बहुत कविताएं लिखता है, ट्रक के पीछे लिखता है सर। और वो चप्पल लटकी रहती है ना वो उसको दाद में मिलती है, ये लिखता तेरा छावा। ज्यादा मत बोलना। हाँ तो सर वो मेरा छावा है ना बहुत कविताएं लिखता है, तो मैं उसकी कविता सुनाना चाहेगी सर आपको। सुना। वो क्या बोलते हाँ आप लोग भी इरशाद कीजिएगा। हाँ उनको क्या सिखा रहे, जब से पैदा है वही वही कर रहे हैं वो लोग, उनको क्या बोल रहे हैं इरशाद बोलने। हाँ सर मैं उनकी शायरी सुनाती आपको मुकेश की। 20 का फूल 25 की माला, 20 का फूल 25 की माला, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। अरे काफिया तो मिला नहीं? तो 1 करोड़ मिला क्या कभी मेरे को? काफिया मिलाने की बात कर रहे सर, आप लोग नाला सुपारा में आइए ना, आप मेरे को नाला सुपारा में 4 दिन के लिए लगेंगे। सबको तो 2 दिन के लिए बोलती तू। नहीं नहीं सर लोग आएंगे ना तो 2 दिन सर लोग हमको शायरी सुनाएंगे। हाँ। फिर 2 दिन हम लोग इनको शायरी सुनाएंगे। हमारे क्या सर, हम लोग बहुत हम्बल लोग है, हम किसी का सुन के नहीं लेते। मेरा मसाज पार्लर है सर उधर, तो अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में। सर आपके लिए मेरे पास है मुशायरा मसाज। मुशायरा मसाज
इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के कपड़े उतारते, उसको तेल लगाते और फिर उसको वैसी महफिल में ले जाते और फिर लोग देख के उसको बोलते वाह 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 वाह, तब हम उसकी मसाज करते। फिर सर हमारा दूसरा मसाज है मौसी की मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम मौसा को तेल लगाते और मौसी की मसाज करते। फिर हमारे पास है सर हास्य रस मसाज। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपनी उंगली पे तेल लगाते और कस्टमर को गुदगुदी कर करके तब तक मसाज करते जब तक उसका हास्य के साथ रस ना निकल जाए। सर मैं चलती है, मेरे को ना एक महफिल लूटने के लिए जाना है। शेर सुनाने जा रही कहीं? नहीं नहीं, मुकेश ने नई तलवार खरीदी ना, हम लोग महफिल लूटेंगे उधर, हमारे लूटना अलग ही रहते हैं। ओके सर। एक बार राहत इंदौरी साहब और अशोक चक्रधर जी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर प्लीज। सो वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का, जो लेंगी अर्चना जी। आइए अशोक जी। आइए। वाह क्या तस्वीर। थैंक यू। आप भी आइए अर्चना जी। जो टाइम गुजरा है वक्त का पता ही नहीं। राज साहब थैंक यू सो मच, निमंत्रण पे यहाँ आए। बिल्कुल। थैंक यू अशोक जी, बहुत मजा आया आज लाइव सुन के आपको। पहली बार मैंने सुना, पर हमारी ऑडियंस का जब भी आप आए दिल लूट लिया सर। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट शबक है। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.